Assalamualaikum everyone, welcome to the channel. मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जाफी और आज की वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीएमसी मॉडल कॉलोनी एमएज स्कूल 1819 पे, जहां पे बहुत ही खूबसूरत मिलाद ऑर्गेनाइज किया गया है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है, बच्चों ने बहुत ही कलरफुल खूबसूरत ड्रेसेस को वेयर किया है और सबसे बढ़कर के उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज ज्यादातर आपको प्राइवेट सेक्टर्स ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए, जहां पे बच्चे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं, उनके वो वर्क कर सकते हैं। जहां पे उन्हें लगेगा कि वो वीक है, वहीं उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, क्योंकि जब स्टूडेंट्स के पास माशाल्लाह इतने अच्छे टीचर्स मौजूद होंगे, इतने अच्छे लीडर्स मौजूद होंगे, तो डेफिनेटली ऐसा होंगे कि बच्चे अपने टैलेंट को ना पहचाने। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, जिसमें चाहे गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और हम माशाल्लाह सबके स्किल्स देख रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों में कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है और इस वक्त भी आपको मेरे बैक से आवाज़ें आ रही होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वक्त नात ख्वानी कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत उनकी आवाज़ है। तो चले आइए हम भी देखते हैं कि कितनी खूबसूरत मिलाद ऑर्गेनाइज हुई है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से ग्लिम्सेस, आइए देखते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे हमें कितने प्यारे बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ब्यूटीफुल कलरफुल ड्रेसेस को वेयर किया हुआ है। टीचर्स मौजूद हैं और देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पे मिलाद पढ़ी जा रही है और किस तरह स्टूडेंट्स अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं। और अब इस मिलाद के ख़ास गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे मौजूद हैं सैयद मोहम्मद नदीम शाह, जो कि वेलकम कर रहे हैं हमारे सीएम मॉडल टाउन जफर अहमद खान को। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम शाह प्रेजेंटिंग ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर जफर अहमद खान सीएम मॉडल टाउन। एज एम ऑफ एमएस स्कूल प्रेजेंटिंग ग्रेटिट्यूड टू वाइस चेयरमैन मिस्टर बासित। और इस मिलाद में सिर्फ बच्चों ने नहीं बल्कि टीचर्स ने भी फुली पार्टिसिपेट किया और बहुत ही खूबसूरत नात अपनी ऑडियंस अपने स्टूडेंट्स के लिए पेश की। और महफिल मिलाद में हमारे एक और रिस्पेक्टेबल गेस्ट आ चुके हैं, टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर जफर इकबाल मुगल। तो ये महफिल कमली वाले की है। तो मेरे साथ आवाज मिलन मिलकर बोले सुभान अल्लाह। अब आपके सामने हम तो सना पेश करने जा रहे हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम शाह प्रेजेंटिंग ग्रेटिट्यूड टू टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर जफर इकबाल मुगल। जी व्यूवर्स, अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यूज की जानिब। जी व्यूवर्स, और इस वक्त हम मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टीएमसी मॉडल कॉलोनी सैयद मोहम्मद नदीम शाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र सर। माशाल्लाह से हमेशा हमने आपको टॉप ऑफ द लिस्ट देखा है। आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन एक्टिविटीज और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और आज भी आपने एक बहुत ज़बरदस्त मिलाद ऑर्गेनाइज करवाई है जो कि बहुत सक्सेसफुल रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम बच्चों ने और टीचर्स ने जो है मिलाद पढ़ी और बहुत अच्छी पढ़ी है, तो मैं तमाम असाज़ा को और टीचर्स को, बच्चों को, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिल्कुल। तो सर माशाल्लाह से आपने इतना ज़बरदस्त इवेंट करवाया, आपको क्या लगता है इस तरह के इवेंट से स्टूडेंट्स किस तरह से मोटिवेट और इंस्पायर हो सकते हैं?
इस तरह के इवेंट्स मेरे अपने ज़ाती राय है कि होने चाहिए। इससे एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है जो सरकारी स्कूलों का जो एक इमेज ख़राब होता जा रहा है कि यहाँ स्टूडेंट नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती, तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ पर पढ़ाई भी जाती है, और अगर ये इस तरह के हम इवेंट्स कराएंगे, मिलाद है, स्पोर्ट्स है, इन्वायरमेंट के हवाले से या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि एडमिशन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और हमारे स्कूल जितने खाली होते जा रहे हैं वो भर जाएंगे। और स्पेशली मैं बॉयज़ के लिए हमेशा कहता हूँ कि हमारे बॉयज़ जो हैं वो ऐसे ऐसे कम उनकी होती जा रही तादाद। उसकी मेन वजह ये है कि एक सेकेंड शिफ्ट में स्कूल है, दूसरी अहम और इम्पोर्टेंट वजह यह है कि वो गरीब बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो छोटे, जहाँ बच्चे बड़े होते हैं 10 साल 8 साल के होते हैं, उनको वो ठेले पे दुकानों पे बिठा देते हैं। तो इसकी वजह से ये हमारी जबकि हमें बॉयज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको इसके लिए काम करना चाहिए ताकि हमारे अगर स्कूल में दोपहर की वजह सुबह इनको कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि ये इनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इनके अपकमिंग फ्यूचर और हार्ड वर्क किया, इतने एफर्ट्स पुट किए, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि उन्हें मजीद आगे किस तरीके से अपने टाइम को, अपने हार्ड वर्क को इन्वेस्ट करना चाहिए और पुट करना चाहिए एफर्ट्स को? मैं सबसे पहले तो अपने असातिज़ा को, उनको खैर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो हर दफ़ा हर इवेंट्स में, हर प्रोग्राम में, हर तरह की जो मामला होते हैं वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह वो आगे भी मेरे साथ इस तरह खड़े रहेंगे। बस वो जो है बच्चों पे ख़ास तवज्जो दें, उनकी तरबियत पे तवज्जो दें, जैसे वो अपने स्पेशली अपने ज़ाती बच्चों पे देते हैं उस तरह इनके बच्चों को भी दें जो कि स्कूलों में आते हैं पढ़ने के लिए। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वो मेहनत करें, पेरेंट्स की टीचर्स की बात पर तवज्जो से सुने, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप सुनें, लिखें, पढ़ें, समझें, नहीं समझते दोबारा पूछें आप, और हेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लें। मोबाइल को खुदाया छोड़ दें, उससे बेहतर है कि किताबों का साथ कर लें, किताबें पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि सीरतुल नबी पढ़ें, वो सबसे स्पेशल ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया उस पर रिसर्च करके आगे बढ़ रही है और हमारे पास चीज़ें होते हुए हम उसको नहीं पढ़ते। तो मैं अपने तमाम बच्चों से भी, असातिज़ा से भी कहता हूँ कि उनको कहें कि बच्चे भी पढ़ें और आप भी उसको कुछ ना कुछ उसका पढ़ के वो बच्चों को एक क्लास में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हदीस में या कोई ऐसी चीज़ें निकाल के वो उनको ज़रूर बताएं, अच्छी बात है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि अल्लाह ताला हमारा इस टाउन को जो एक मॉडल टाउन का नाम है लेकिन हकीकत में इसको मॉडल बनाए, और मेरी पूरी टीम और मैं मिलकर इसको पूरा करूँ, और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड कंसर्न। और अब मैं मौजूद हूँ एमएजे स्कूल 1819 के एचएम के साथ, वसीम शाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो माशाल्लाह से आपके स्कूल में बहुत ही जबरदस्त मिलाद जो है ऑर्गेनाइज हुआ है और आपके स्टूडेंट्स ने फुली पार्टिसिपेट किया, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सब आगे आगे रहे और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। आपको कैसा लगता है आपके स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंट अपने टैलेंट को शो किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस तरह के इवेंट्स आपने देखे होंगे ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, तो हमने यही कोशिश की कि इस दफ़ा हम अपने स्कूल में भी ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं ताकि हमें पता चले कि बच्चों में क्या जोश व खरोश पाया जाता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया और दिलचस्पी जाहिर की और अपना छुपा हुआ टैलेंट जाहिर किया। तो किस तरह से तैयारियाँ शुरू हुई, किस तरह से आपके दिमाग में ख्याल आया कि हमें अपने बच्चों के लिए मिलाद ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए? मिलाद का प्रोग्राम मेरे जहन में शुरू से था और कुछ छोटे बच्चे भी हैं हमारे जो बार बार मुझसे कहते हैं सर आप मिलाद करवाएं, मिलाद कराएं, तो मैंने जहन बनाया, मैंने कहा कि हमें प्रोग्राम मिलाद का करना चाहिए। फिर हमने ऑडिशन वगैरह लिए, उसके बाद फिर हमने बेस्ट बच्चा सेलेक्ट किया ताकि हमें बेहतरीन प्रोग्राम करवा सकें। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह से मैंने खुद देखा, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे, सबने अपना टैलेंट दिखाया। अब आप एज एचएम अपने स्टूडेंट्स को और अपने उन तमाम हार्ड वर्किंग टीचर्स को जिन्होंने इतना एफर्ट पुट किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं टीचर्स को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बच्चों को तैयार किया इस चीज़ के लिए और बच्चों में ये पैदा किया, जोश व खरोश पैदा किया कि वो इस तरह के प्रोग्राम करें और इसमें हिस्सा लें। तो मेरे टीचर वाकई काबिल एहतराम हैं और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और उनका मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ। बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा तालीम तो आपकी बहुत ज़रूरी है लेकिन इसके साथ साथ आपने इस तरह की सरगर्मियों में भी हिस्सा लेना है ताकि आपको भी पता चले कि आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट क्या है। और हमने भी आज देखा कि हमारे माशाल्लाह बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनसे हम कुछ भी करवा सकते हैं और इनको शौक है ये सब चीज़ें करने का। बिल्कुल ऐसे ही, और जिनके पास आप जैसा एचएम मौजूद हो जो इतना सपोर्टिव हो, जो इतना कोऑर्डिनेट करता हो, कॉपरेट करता हो और ऐसा लीडर मौजूद हो, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि टीचर्स
हार्ड वर्क करने में कामयाब ना और बच्चे कामयाब ना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत शुक्रिया। सीएम मॉडल टाउन जफर अहमद खान ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सैयद मोहम्मद नदीम शाह के साथ स्कूल का भी विजिट किया और विजिट के दौरान सीएम मॉडल टाउन ने स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को बेहद पसंद किया और तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट किया। अब हम चलते हैं मिलाद के लास्ट मोमेंट्स की तरफ। जी तो आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत फूल इस बास्केट में हमें नज़र आ रहे हैं जो कि तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बहुत ही खूबसूरत बास्केट्स में इनको सजाया गया था और बच्चों में बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उनके मिलाद का मज़ा और भी दुगना हो गया। लास्ट में सीएम मॉडल टाउन स्टूडेंट्स और टीचर्स को मैसेज देते हुए एनसी साहब जफर इकबाल साहब और डायरेक्टर हमारे एजुकेशन नदीम साहब, आचरण के डायरेक्टर शोरो साहब मंजूर शोरो साहब, यूसी फोर के चेयरमैन करीम बख्श साहब और मेरे वाइस चेयरमैन फैसल भासी साहब और तमाम असातिज़ा इकराम और तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस प्रकार तकरीब में आके मेरी मुसरत भी हुई और खुशी भी हुई और आपने जिस तरह मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, तो उसको देख के बहुत मुसरत भी हुई। महफिल मिलाद के इख्तिताम पर सीएम मॉडल टाउन एंड टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर तमाम टीचर्स को अप्रिशिएट किया, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को बेहद पसंद करा और उन्हें मोटिवेट किया और एक ख़ास पैगाम उन तक पहुँचाया। Thank you so much everyone who is being a part of this video. Thank you so much every guest who being a part of Milad. Thank you so much everyone for watching this video and please do not forget to subscribe my channel Inspired Pakistan and please share your feedback in the comment section.